दोस्तों जो हमारे पास नई वाली घोड़ी हम लेकर आए थे वो आज हमारे कैनल से चली जाएगी। घोड़ी को आखिरी बार देखने के लिए मैं चल देता हूँ कैनल की तरफ। तो यार मैं अभी कैनल पर पहुंचा हूँ और यहाँ तो घोड़ी है ही नहीं। अभी तो अरे यार कितने मिनट लेट हो गया मैं। कोच साहब बत्तख और मुर्गियों को दाना खिलाने लगे थे और मैं बादल को लेकर बाहर चला गया था, लेकिन जैसे ही बैठकर मैं इसको आगे लेकर चलने लगा इसने एक जगह पर ब्रेक मार दी और वहाँ से कसम खा ली कि मैं आगे नहीं चलूंगा। जैसे ही इसको पता लगता था कि अब ये मुझे आगे चलाने वाला है ये एकदम से छलांग मार देता था। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, इसको मैं इसके हिसाब से चलने देता हूं। तो मैंने लगाम ढीली छोड़ दी और देखा तो ये कैनल की तरफ जाने लग गया था। फिर मजबूरी में मुझे इसे रोकना पड़ा और वापस मुड़ने के चक्कर में ये दोबारा से खड़ा होने लगा। घोड़ी के जाने के गम में बादल ने तो सवारी नहीं दी तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने सेटअप पर। वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि डॉबरमैन के एक बच्चे ने एक चादर को फाड़कर उसके अंदर अपना मुंह डालकर खुद को फांसी लगा रखी थी। वो तो सही टाइम पर मैं पहुँच गया वरना पता नहीं क्या होता।